हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट। आई सेल्फ अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो मुझसे जुड़े रहिएगा और इस हेमेटोलॉजी का आनंद लीजिए, और इस क्लास को अपने नियर बाई फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हेमेटोलॉजी की सेकेंड क्लास लेके आया हूँ। पहले क्लास के बारे में हमने बेसिक इंट्रो देखा था कि हेमेटोलॉजी के अंदर क्या होता है, ब्लड क्या है, ब्लड के बारे में इसके वफी कॉर्ड क्या था और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ये हमने फर्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ ब्लड के बारे में उसके फंक्शन से रिलेटेड देखेंगे और ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे। हम वन बाय वन रेगुलर क्लासेस लाते रहेंगे आपके लिए, और इस क्लासेस को आप अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड से, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कुछ फंक्शन, मैंने कल की क्लास में करेक्टरिस्टिक्स के साथ में आपको डिस्कस कर दिए थे, जो आज की क्लास में मैं चलते चलते आपको समझा दूंगा। तो मेनली इसके तीन फंक्शन होते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और दूसरा ब्लड जो दूसरा फंक्शन होता है ब्लड का, वो रेगुलेशन का काम करता है। और तीसरा ब्लड होता है एक्सक्रीशन का काम करता है। तीसरा फंक्शन एक्सक्रीशन का काम करता है। इसमें से हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे, जो है ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ब्लड किस किस को ट्रांसपोर्ट कराता है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए सामने आपके आ रहा है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट कराता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट कराता है किसको? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। दूसरा ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कराता है, सॉरी, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है गैसेस का, दूसरा कराता है न्यूट्रिएंट्स का और तीसरा हार्मोन्स का। इस तरह से ट्रांसपोर्ट के अंदर तीन फंक्शन हैं। तीन तरह के कंपोनेंट को क्या करेगा ब्लड? इसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेगा, जिसके अंदर फर्स्ट है गैसेस, सेकंड न्यूट्रिएंट एंड थर्ड हार्मोन्स। तो गैसेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सी गैसेस हैं जिसके लिए ब्लड ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है? तो इसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है और नाइट्रस ऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसेस। गैसेस के अंदर कौन सी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराता है और किसके द्वारा कराता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आरबीसी सॉरी सबसे पहले देखेंगे कौन सी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराता है, O2 को। ऑक्सीजन को क्या करा रहा है? ये ट्रांसपोर्ट कराता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को किस मेथड के द्वारा कराता है? तो आप आंसर देना कि ये सेलुलर पार्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। कौन से पार्ट के द्वारा? सेलुलर पार्ट के द्वारा। और सेलुलर आंसर नहीं हो, सेलुलर के अंदर जो कंपोनेंट होता है आरबीसी, एक्चुअली में सेलुलर पार्ट इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कराता है। सेलुलर पार्ट के अंदर एक कंपोनेंट होता है, एक ब्लड सेल्स होती है जिसका नाम है आरबीसी। वो इसको क्या करेगी? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। अगर आरबीसी भी नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो जिसको मेन इसका जो कंपोनेंट है, जो ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है, बॉन्ड बना के ले जाता है, उसका नाम होता है क्या? हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। तो एक्चुअली साइट तो यही है, सेलुलर पार्ट के अंदर आरबीसी होता है और आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। तो वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ऑक्सीजन को कैरी कराने का काम करता है। तो दोस्तों, याद रखना है यहाँ पे सबसे पहले क्या है इसमें, अगर इसमें तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन के सेलुलर भी है, आरबीसी भी है और हीमोग्लोबिन भी है, तो इन तीनों में से कौन सा पार्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेगा? तो इसमें दोस्तों क्या याद करेंगे आप? हीमोग्लोबिन को याद किसको रखना है आपको? हीमोग्लोबिन को याद रखना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसा पार्ट है जो क्या करेगा? बॉन्ड बना के रखता है। किस किस के बॉन्ड बना के रखता है? ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना के रखता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं इसके अलावा और किसको कैरी करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। गैसेस के अंदर पहला देखा हमने क्या? ऑक्सीजन। दूसरा इसी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। क्या है यहाँ पे? CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कौन से मेथड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन से मेथड के द्वारा ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है कि बाइकार्बोनेट लेवल होता है, यानी कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा, वो प्लाज्मा मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अटैच रहती है प्लाज्मा में, मतलब ये डाइल्यूट होकर रहती है प्लाज्मा के अंदर और इसको क्या करेगा, कैरी कराने का काम करेगा। दूसरा 23%, ओनली 23%, 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर। तो मेन पार्ट जो इसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है वो क्या है, प्लाज्मा। मेन पार्ट ब्लड के अंदर क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, प्लाज्मा। 70% केसेस के अंदर प्लाज्मा काम करता है, किसको ट्रांसपोर्ट कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और 23% के अंदर कौन इसको कैरी करके ले जाता है, 23% में हीमोग्लोबिन इसको क्या करेगा, अपने साथ बाइंड करके ले जाएगा और इसको कैरी कराने का काम करता है, काम करता है। तो दोस्तों याद होगा ये आपको, यहाँ पे आपको लर्न हो गया होगा, 7% समथिंग किसी और चीज में डिजॉल्व होके ये किसी और के साथ बॉन्ड बना के कैरी होती रहती है। तो यहाँ पे मेनली दो पार्ट है, एक तो प्लाज्मा है जो 70% इसको क्या कराएगा, अपने साथ बॉन्ड बना के ले जाएगा, और दूसरा क्या है, सेलुलर पार्ट है जो 23% इसके साथ अपने साथ बॉन्ड बना के इसको कैरी कराने का काम करता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे दो गैसेस देखिए, और तीसरी गैसेस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। और इस नाइट्रस ऑक्साइड या इस लाफिंग गैस को कौन ट्रांसपोर्ट कराता है, तो दोस्तों याद रखना है इसको, सेलुलर पार्ट बोले तो मतलब आरबीसी, या फिर आरबीसी के अंदर एग्जैक्ट आंसर देना है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसको अपने साथ कैरी करा के ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर दोस्तों, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है ब्लड के अंदर, कैसे होता है। गैसेस के अंदर हमने देखा सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सेलुलर पार्ट करता है, सेलुलर पार्ट के अंदर कौन सी चीज है जो इसको बाइंड करके ले जाती है, तो आंसर करना है आपको आरबीसी, आंसर करना है आरबीसी। आपसे पूछा जाए कि आरबीसी के अंदर भी कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को बाइंड करके ले जाएगा, अपने साथ बॉन्ड बना के ले जाएगा, तो आपको आंसर देना है क्या, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ बॉन्ड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड। ये बॉन्ड में बताऊंगा आगे वाली क्लास में, जब हम हीमोग्लोबिन को सेपरेट पढ़ेंगे तब उसके साथ कौन से बॉन्ड बनते हैं, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए ऐसे ही आपको अगर पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बॉन्ड बना के कौन ले जाता है, मतलब कैसे, किस रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, तो दोस्तों आप आंसर करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर ज्यादातर डिजोल्व होके क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, और हीमोग्लोबिन के साथ कम बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन के साथ कम बाइंड होती है, यानी मेन पार्ट जो है प्लाज्मा है वो इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। तो अगर आपको ऑप्शन में दो ऑप्शन मिलते हैं, क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक प्लाज्मा दूसरा हीमोग्लोबिन या सेलुलर पार्ट, तो आपका आंसर कौन सा राइट होगा, प्लाज्मा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ही अपने अंदर क्या कर रहा है, वो डिजोल्व करके ले जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को और ट्रांसपोर्ट करा रहा है। क्लियर, ऐसे ही अगर आपको तीसरी गैस इसके अंदर दी गई है, नाइट्रस ऑक्साइड को ब्लड कैसे कैरी करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट कराता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस को ही बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को सेलुलर पार्ट कराता है, सेलुलर पार्ट के अंदर क्या, वो आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या, हीमोग्लोबिन। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड को कैरी कराने का काम करेगा। क्लियर दोस्तों, आई होप कि ये आपको इतना समझ में आया होगा कि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। दूसरा हम देखेंगे गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के बाद में न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म के अंदर ब्लड में प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में। प्रोटीन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, तो प्रोटीन को याद रखना है ये रहती है अमाइनो एसिड फॉर्म में, अमाइनो एसिड फॉर्म के अंदर। तो ग्लूकोज तो यहाँ पे, यानी कार्बोहाइड्रेट को मिलता है ग्लूकोज फॉर्म में, और प्रोटीन मिलती है अमाइनो एसिड फॉर्म में,
और फैट किस रूप में मिलता है ब्लड के अंदर, तो फैट को याद रखना है फैटी एसिड। फैटी एसिड ये अलग अलग फॉर्म है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है। कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ग्लूकोज फॉर्म में। प्रोटीन कौन सी फॉर्म में मिलेगी ब्लड के अंदर, प्रोटीन मिलती है आपको कौन सी फॉर्म के अंदर, प्रोटीन मिलेगी आपको अमाइनो एसिड की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, अमाइनो एसिड की फॉर्म में। और आपसे फैट पूछा जाए कि फैट कौन सी फॉर्म में रहता है, फैट कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है कहाँ पे ब्लड के अंदर, तो आंसर करेंगे फैटी एसिड की फॉर्म में। और इन तीनों का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, इन तीनों का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा पार्ट के द्वारा। कौन से पार्ट के द्वारा, प्लाज्मा पार्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है कौन, न्यूट्रिएंट यानी कार्बोहाइड्रेट की बात हो, प्रोटीन की बात हो या फिर फैट की बात हो, ये तीनों ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, नॉट सेलुलर पार्ट के द्वारा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे दो फंक्शन हम क्लियर कर चुके हैं ब्लड के। तीसरा फंक्शन है हार्मोन्स। तीसरा फंक्शन क्या है, हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स रहते हैं बॉडी के अंदर, उन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कराने का कौन काम करता है, ब्लड। तो दोस्तों यहाँ पे हार्मोन्स दो तरह के होते हैं। हार्मोन सर ने बताए होंगे आपको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, एक बताए होंगे आपको एंडोक्राइन हार्मोन, दूसरे बताए होंगे एक्सोक्राइन हार्मोन। तो एंडोक्राइन हार्मोन क्या होते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते हैं, और जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं होते। जो एक्सोक्राइन हार्मोन होते हैं वो उनके पास एक स्पेशल वे होता है, एक स्पेशल रास्ता होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट। वो डक्ट के साथ, उन्हीं डक्ट से क्या होगा, हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू तक जाएगा, टारगेट रिसेप्टर तक जाएगा और काम करेगा, एक्ट करेगा। लेकिन ऐसे हार्मोन जो एंडोक्राइन हार्मोन है उनके पास कोई स्पेशल डक्ट नहीं रहती है। एंडोक्राइन हार्मोन जो होते हैं वो सारे के सारे हार्मोन ब्लड के साथ सर्कुलेट होके अपने टारगेट सेल तक पहुंचेंगे, टारगेट रिसेप्टर तक पहुंचेंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे, एक्ट करेंगे और अपना एक्शन कराएंगे। क्लियर दोस्तों, ये आपको आई होप की क्लास समझ में आई होगी। यहाँ तक कि मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम बताया है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड, पहला गैसेस का, दूसरा न्यूट्रिएंट का, तीसरा हार्मोन्स का। चलते हैं दूसरे दूसरे फंक्शन की तरफ, जिसका काम रेगुलेशन, यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है और दूसरा ब्लड क्या करता है, रेगुलेशन का काम भी करता है। ब्लड क्या करेगा, रेगुलेशन का काम भी करेगा। ब्लड किस किस को रेगुलेट करता है, ब्लड रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। ब्लड रेगुलेट करता है किसको, बॉडी टेम्परेचर को, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। कौन काम करता है, ये ब्लड काम करता है। कैसा काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि ब्लड कैसा है, वार्म लिक्विड, ब्लड कैसा है, वार्म लिक्विड होता है। जस्ट एक सेकेंड, ब्लड कैसा कंपोनेंट है, वार्म लिक्विड में पहले बता चुका हूँ, इसको हम किस नाम से जानते हैं, वार्म लिक्विड के नाम से जानते हैं, वार्म लिक्विड के नाम से जानते हैं। पीछे करेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैंने बताया था। अब आपको दो तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है बॉडी के अंदर, एक तो बॉडी टेम्परेचर कम देखने को मिल सकता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिल सकता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिल सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल सकता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही मिल सकते हैं आपको, टेम्परेचर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। टेम्परेचर क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, तो दोनों ही याद रखने हैं यहाँ पे। तो अब जब बॉडी टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, जब बॉडी टेम्परेचर कम होता है, जब बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो वहां पे ब्लड क्या करेगा, ब्लड सप्लाई क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ब्लड सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज। और जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो उस ऑर्गन का या उस पार्ट का क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम ऐसे ही देखते हैं, किसी पार्ट का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे ब्लड सप्लाई क्या होगी, ब्लड सप्लाई क्या होगी, कट हो जाएगी, ब्लड सप्लाई
डिक्रीज हो जाएगी और जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होती है वहां पे सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और उस सप्लाई के द्वारा क्या होगा, ब्लड को रेगुलेट करने का, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है कौन, ब्लड। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें, रेगुलेशन ऑफ पीएच। रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच को कैसे रेगुलेट करता है कौन भैया, ब्लड करेगा। कौन करेगा, ब्लड करेगा। किसको रेगुलेट करेगा, पीएच को रेगुलेट करेगा, पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है कौन, करता है ये काम, ये काम कौन करता है भैया, ब्लड करता है। ये काम कौन करता है, ब्लड करता है, पहले ही आपको बता दिया है। चलिए देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इसको अब, क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी रेगुलेशन ऑफ पीएच। तो पीएच को रेगुलेट करने का काम किसका है, ये भी काम कौन करता है, पीएच करता है, सॉरी ब्लड करता है। ब्लड कैसे करेगा इसको, पीएच को मेंटेन कैसे करेगा इसको, कुछ बफर सॉल्यूशन होते हैं ब्लड के पास, क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, कुछ ब्लड के पास बफर सॉल्यूशन होते हैं, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं, दूसरा नाम देते हैं इसको, बफर आयन एक्सचेंज। क्या, बफर आयन एक्सचेंज, हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, बफर आयन एक्सचेंज बोल सकते हैं, बफर आयन एक्सचेंज बोल सकते हैं इनको। ये क्या करेंगे, एक्सचेंज कराएंगे और ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। कौन से बफर आयन है, तो आपको याद रखना है, एक तो हाइड्रोजन आयन होता है और दूसरा वाई कार्बोनेट लेवल होता है, यानी HCO3। क्या, एक तो हाइड्रोजन आयन होगा, दूसरा HCO3। हाइड्रोजन आयन रेस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ ये हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे वहां का एनवायरमेंट कैसा कर देता है, ये एसिडिक, और जहाँ पे HCO3 ज्यादा होते हैं वहां का एनवायरमेंट कैसा होता है, एल्केलाइन, कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। और इस तरह से क्या करेंगे, ये इस तरह से क्या करेंगे, ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं, किसके द्वारा कराएंगे, अच्छा किस में डिजॉल्व होके ये रहते हैं, कहाँ से इसको क्या कराएंगे, ब्लड पीएच को मेंटेन कराएंगे, एसिडिक एंड एल्केलाइन, यानी कि हीमोग्लोबिन इनको क्या करेगा, कंसंट्रेट करने का काम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। आपको याद रखना है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं तो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, और HCO3 बढ़ेगा तो एल्केलाइन एनवायरनमेंट होगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर एक एग्जांपल, एक एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट है, कैसा एसिडिक एनवायरनमेंट मिला, मतलब मान लो कि ब्लड का क्या हो गया, पीएच ज्यादा हो गया, कम हो गया, ब्लड का पीएच कम हो गया, ब्लड का पीएच कम हो गया, यानी कि पीएच कम हुआ है मतलब एसिडिक हुआ है, और एसिडिक हुआ है तो यहाँ पे क्या हुए होंगे, हाइड्रोजन आयन क्या हो गए, इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन क्या हो गए, इंक्रीज। तो अब ये हाइड्रोजन आयन को कौन, हाइड्रोजन आयन को अपने साथ बाइंड कर लेगा कौन, हीमोग्लोबिन, कौन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आएगा, इस हाइड्रोजन आयन को क्या कर लेगा, अपने साथ बाइंड कर लेगा, बाइंड करके हाइड्रोजन आयन की क्या कराएगा, कमी कराएगा, और जब कमी हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की तो कौन सा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, हाँ जी क्या देखने को मिलेगा आपको, एल्केलाइन की तरफ इसका पीएच चले जाएगा, यानी कि एच बी बाइंड करेगा, एच बी बाइंड हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन की क्या होगी, कमी हो जाएगी, क्या होगी, अब हाइड्रोजन आयन की क्या होगी, आगे जाके कमी होगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन, और जब हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाएंगे तो पीएच कैसी चली जाएगी, ये एल्केलाइन की तरफ चली जाएगी, पीएच किधर जाएगी, एल्केलाइन की तरफ चली जाएगी। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए एल्केलाइन एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कैसा है, एल्केलाइन मतलब पीएच ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या हो गए, डिक्रीज, तभी तो पीएच ज्यादा हो रही है, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन रिलीज कर देगा, अपने पास से छोड़ देगा, रिलीज एक्स्ट्रा आयन, सॉरी रिलीज आयन, रिलीज आयन, अपने पास से हीमोग्लोबिन क्या कर देगा, आयन को रिलीज कर देगा,
जिसकी वजह से ब्लड के अंदर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन और ब्लड की पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पीएच कैसी होगी, डिक्रीज होगी, मतलब एसिडिक की तरफ चली जाएगी। किधर जाएगी, एसिडिक की तरफ चली जाएगी, मतलब मेंटेन करेगा। ब्लड क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, किसको किसको मेंटेन करने का काम करता है, पीएच को। ब्लड क्या करेगा, पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। कौन से बफर सॉल्यूशन है ब्लड के पास में, हाइड्रोजन आयन है और क्या है, HCO3 है। हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, और HCO3 आयन बढ़ते हैं तो एल्केलाइन एनवायरनमेंट होता है। और दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। तो एसिडिक एनवायरनमेंट है मतलब हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन को, और जब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन बाइंड हो जाएंगे तो ब्लड के अंदर अब फ्री हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे, और जब कम हो जाएंगे तो यहाँ पे एसिड क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एसिड बेस बैलेंस, और बैलेंस नहीं हो पाए तो उसको बोलेंगे इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस। ऐसे ही देख रहे हैं यहाँ पे एल्केलाइन, अगर पीएच है ब्लड की मतलब पीएच ज्यादा है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो ऐसी कंडीशन में अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अपने पास से एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन को रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे, और जब हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएच एसिडिक की तरफ चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे इसी के अंदर रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हमने दो फंक्शन पढ़ लिए यहाँ पे, एक तो हमने पढ़ा था रेगुलेशन के अंदर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, दूसरा पीएच को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड करता है। क्लियर। चलिए अब तीसरा यहाँ पे इसी के अंदर रेगुलेशन के अंदर तीसरा देख रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन कौन करता है, याद रखना है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई किसके द्वारा होता है, ये हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। और हीमोग्लोबिन सेलुलर पार्ट है या फिर लिक्विड पार्ट, तो आपको याद रखना है ये किस पार्ट के अंदर आता है, सेलुलर पार्ट के अंदर आता है। लिक्विड पार्ट के अंदर तो प्लाज्मा आता है, लिक्विड पार्ट के अंदर प्लाज्मा आता है, हीमोग्लोबिन सेलुलर पार्ट के अंदर आता है। आगे क्लासिफाई करूंगा मैं इसको, ये जो लिक्विड होता है और प्लाज्मा होता है कितना कितना है, प्लाज्मा कितना होता है सेलुलर पार्ट, ठीक है आगे क्लासिफाई करेंगे। तो कुछ अमाउंट मतलब ब्लड के अंदर कैसे पीएच को, उसको हीमोग्लोबिन ग्लूकोज लेवल को कैसे मेंटेन करेगा, तो अमाउंट होता है हीमोग्लोबिन का, जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है वो क्या कर लेता है, अपने साथ में अटैच कर लेगा किसको, हीमोग्लोबिन अटैच कर लेगा किसको, हाँ जी ग्लूकोज को, क्या करेगा ग्लूकोज को क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। इसी को बोलते हैं उनका ग्लाइकोसाइलेटेड HB, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइको साइलेटेड हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन तो आपको याद नहीं आ रहा होगा, दूसरा नाम HbA1c शायद, ये तो याद होगा आपको, यही है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। इसको हम डायग्नोसिस पर्पज के रूप में देखते हैं, डायग्नोसिस पर्पज के रूप में हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो लास्ट 90 डेज का ब्लड ग्लूकोज लेवल बताने का इंडिकेटर है। क्या है ये, इंडिकेटर ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, लास्ट 90 डेज, क्या है ये इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। प्रीवियस प्रीवियस 90 डेज, प्रीवियस 90 डेज, तो याद रखना है आपको कितने दिन का ब्लड ग्लूकोज लेवल बता देता है, पिछले 90 दिन का ब्लड ग्लूकोज लेवल बता देता है। ये कितने दिन का, पिछले 90 दिन का ब्लड ग्लूकोज लेवल बता देता है। कौन बता देता है भैया, ये हीमोग्लोबिन HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। चलिए इसकी नॉर्मल वैल्यू भी देख लो कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू तो याद रखना है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लेस देन 5%।
HbA1c की बात हो रही है, HbA1c कितना होता है, लेस देन 5%, कितना होता है, लेस देन 5% होता है। अगर HbA1c ज्यादा बढ़ गया, देखो ये इंक्रीज हो गया कितने से ज्यादा, अगर ये मोर देन 6.5% हो गया तो ये इंडिकेट करेगा इस पर्सन को क्या हो गया है, डायबिटीज मलाइटस, और इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। 6.5% से ज्यादा जा रहा है HB, तो इंडिकेट करेगा इस पर्सन को क्या हो गया है, डायबिटीज मलाइटस हो गया है। क्या हो गया है, डायबिटीज मलाइटस हो गया है। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आई होगी क्लास। नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट चल रहे हैं दूसरे तीसरे फंक्शन की तरफ। तीसरा फंक्शन एक्स क्रिएशन। तीसरा फंक्शन क्या है, एक्स क्रिएशन। एक्स क्रिएशन क्या करता है, यानी कि ब्लड जो होता है, जो ब्लड होता है वो क्या कराएगा, एक्सक्रीट का काम कराएगा। कौन सा पार्ट करता है, इसके अंदर जो प्लाज्मा पार्ट होता है यानी कि लिक्विड पार्ट जो होता है वो क्या करेगा, इसको ब्लड पीएच को, सॉरी, इसे वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम करेगा। किसके द्वारा, इसके अंदर जो प्लाज्मा पार्ट है, मतलब इसके अंदर क्या है, लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा पार्ट बोल दो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा या फिर लिक्विड पार्ट जो होता है वो क्या करेगा, क्या करेगा, वेस्ट को क्या कराएगा, बाहर, जितने भी वेस्ट होंगे उनको क्या करा देगा, अपनी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करा देगा। क्या कराएगा, एक्सक्रिएट आउट, अपनी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कराने का काम करता है कौन, प्लाज्मा यानी कि ब्लड। क्या करेगा, अपनी बॉडी से जो भी वेस्ट होंगे उनको बाहर निकालने का काम करता है। कौन से वेस्ट होते हैं, कौन से वेस्ट, कितने वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको याद रखना है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक वेस्ट ही तो है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, वेस्ट है, NO2 क्या है, गलत, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या है, ये नाइट्रस ऑक्साइड वेस्ट है अपनी बॉडी का। हाँ जी, यूरिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है अपनी बॉडी के अंदर, इनको बाहर निकालने का काम किसका है, ब्लड का, किसका है, ब्लड का। तो इस तरह से तीन फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं ब्लड के, तीन फंक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, अगले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, कंपोजिशन दो पार्ट होते हैं ब्लड के अंदर, एक तो लिक्विड पार्ट और दूसरा सेलुलर पार्ट। पहला लिक्विड पार्ट और दूसरा सेलुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट जो होता है इसके अंदर वो कितना है, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कितना, 55%, और सेलुलर पार्ट कितना होता है, 45% होता है। इसको देखिए, जो लिक्विड पार्ट है उसको वो येलो कलर का होगा, लिक्विड पार्ट येलो कलर का होता है, जिसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, प्लाज्मा के नाम से, या फिर इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है, कैसा फ्लूड है ये, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, या हम इसी को बोल सकते हैं इंट्रावस्कुलर फ्लूड, जो ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है और जो सेल से बाहर है वो सारा का सारा क्या है, लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा पार्ट है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कहलाता है। कितना होता है अपनी बॉडी के अंदर, 2.75 लीटर के समथिंग होता है। कितना, 2.75 लीटर के समथिंग होता है। क्या क्या कंपोजिशन होते हैं इसके, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा देख रहे हैं हम, इसकी कंपोजिशन, प्लाज्मा की कंपोजिशन, तो प्लाज्मा के अंदर है क्या क्या, याद रखना है आपको, एक तो है इसके अंदर वाटर, क्या है, वाटर, दूसरा क्या है इसके अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन, और तीसरा क्या है, अदर भी है कुछ, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी पड़े रहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, वाटर कितना है इसके अंदर, याद रखना है, वाटर कितना है यहाँ पे, 92%, वाटर कितना होता है, 92%, 7.3% प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, तीन तरह की प्लाज्मा प्रोटीन है, कुछ अदर सब्सटेंस भी
0.7% के अंदर रहते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये किसके अंदर मिलेंगे आपको, ब्लड के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर दूसरा जो पार्ट है सेलुलर पार्ट कितना होता है, वो 45% होता है। कितना होता है, 45% होता है। तो ये सेलुलर पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीन कंपोनेंट होते हैं सेलुलर पार्ट के। इन तीनों के बारे में और प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में होगी, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे सेलुलर पार्ट की तरफ और उधर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को स्टडी करेंगे। क्लियर दोस्तों, थैंक यू आज की क्लास को वॉच करने के लिए। अपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।